रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विले फूड टिप्स में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही शानदार है। पिन व्हील समोसा एक नए अंदाज के साथ आपके लिए मैं रेसिपी लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। अगर आप विले फूड टिप्स पर नए हैं तो मैं आपसे इल्तमास करूँगा कि विले फूड टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नीचे बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। लेट्स स्टार्ट। पिन व्हील्स पोटैटो समोसा के लिए सबसे पहले डो तैयार की जाएगी। मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसको छान लिया है। अब इसकी मैं डो तैयार करूँगा। इसमें ऐड करना है थोड़ा सा नमक, कॉर्नफ्लोर, ज़ीरा, कुकिंग ऑयल थोड़ा सा। अब इस मैदे में थोड़ा सा नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके हल करना है और इसकी डो तैयार करनी है। पिन व्हील्स समोसा तैयार करने के लिए डो बिल्कुल रेडी है। इसे 20 मिनट तक हम रख देंगे, इसके ऊपर कपड़ा रख के डाल देंगे। पिन व्हील समोसा के फिलिंग के लिए जो मसाला मैंने तैयार करना है उसमें आलू मैंने ले लिए हैं 1/2 किलो। इनको बॉयल करके इनको कद्दूकश कर लिया है। आलू के अमेजे में जो अज्जा शामिल होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 1 प्याज ग्रैंड किया हुआ, चॉप्ड किया हुआ, अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 हरा धनिया, 3/4 चम्मच मिर्च, नमक शामिल करना है इसमें, सूखा धनिया, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, अब इस अमेजे को अच्छी तरह मिक्स कर लें हाथों के साथ। पिन व्हील समोसा के लिए मसाला अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। 20 मिनट हो चुके हैं डो को रखे हुए, अब मैं इसको बेलता हूँ। अब इसको बेलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसको इस तरह बेलना है। ये मैंने पेड़ा बेल लिया है। अब इसको फिलिंग करेंगे जो मसाला बनाया था। अब इसको रोल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एंड पर थोड़ा सा पानी लगाकर इसको बंद कर देंगे। छुरी की मदद से इसके पिन व्हील्स बनाने हैं। ये देखें, इस तरह के पिन व्हील्स मैंने ये काट लिए हैं, आपके सामने हैं। अब इनको मैं फ्राई करूंगा। थोड़ा सा मैदा लेकर उसमें पानी शामिल करके, थोड़ा सा नमक शामिल करके इसकी दोनों साइड पर लगाऊंगा ताकि ये ख़राब ना हो, बाहर से ये फैले ना।
ये मैदे का अमेजा मैंने तैयार कर लिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है ताकि पिन व्हील्स की दोनों साइडें टिप करके मैं बंद कर सकूं। ये देखें ऐसे, ये दोनों साइडें इसकी क्लोज हो गई। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें अब मैं पिन व्हील्स फ्राई के लिए डालूंगा। ये फ्राई होने के लिए मैंने पिन व्हील्स ऑयल में डाल दिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनको हिलाते रहना है, जब ये ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल लेना है। बहुत अच्छा कलर आया पिन व्हील्स का, पोटैटो पिन व्हील्स का। घर में ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें।